हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हम लोग जो है ये कैपेसिटी से रिलेटेड जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। इसमें जो है एडिशन आपका हो गया, तो बच्चों आज जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ये ऐसे जो पेज नंबर 106 पर आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको मिलेगा जैसे बाइसिकल एंड तेल, ठीक है। तेल लीटर में से आप जो है फाइव को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप जो है देखिए यहाँ पर 10 लीटर आप इस तरीके से लिखेंगे और इसके नीचे आप जो है इस तरीके से 5 लीटर लिख करके इसको आप 10-5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 5 लीटर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी 2 डिजिट में जैसे इस तरीके से मिल जाएगा आपको, मान लीजिए 3 डिजिट में 250 लीटर फ्रॉम मान लीजिए 500 लीटर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, 500 लीटर माइनस 250 लीटर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 0 में से 5 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 12 मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 करेंगे आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पर 9 होगा, 9 माइनस 1 इक्वल 8, और यहाँ पर 3 होगा, 3 माइनस 2 इक्वल 1, ये 185 लीटर। इस तरीके से आप आंसर प्राप्त करेंगे। और रिलेटेड क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको दे दिया 206 मिलीलीटर फ्रॉम मिलीलीटर, तो ये मिलीलीटर में आ जाते तो आप इस तरीके से पूछेंगे 600 मिलीलीटर माइनस 206 मिलीलीटर, इस तरीके से लिखेंगे और इसको यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 0 12 देगा यहाँ से, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 लिखेगा, ठीक है। तो 10 माइनस 6 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 4, 9 माइनस 0 करेंगे तो आपका 9 आएगा, यहाँ पर 5 बचा है, 5 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से 394 मिलीलीटर आपका आंसर आएगा। ये आपका लीटर और मिलीलीटर 1 यूनिट का रहेगा, तो ऐसे आप सब करेंगे, आइए दोनों यूनिट कंबाइंड आ जाता है एक साथ, तो आप उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 60 मिलीलीटर और उसके बाद यहाँ पर 250 लीटर, यहाँ पर देखिए ये आपका लीटर है 50 लीटर और 250 मिलीलीटर, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। मान लीजिए यहाँ 50 लीटर और यहाँ पर 150 मिलीलीटर, तो इसको जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप पहले इस तरीके से तालों से इसको अरेंज करेंगे लीटर और मिलीलीटर। लीटर में आप 50 लिखेंगे, मिलीलीटर में 100
50 और उसके बाद यहाँ लीटर में 50 और मिलीलीटर में 250 इसको आप कन्वर्ट करेंगे देखिए 5 माइनस 5 यहाँ 0 आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और देखिए 1 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा आप क्या करेगा यहाँ से 12 चलेगा ठीक है आराम से इसको एकदम सिंपल लेके 12 लेकर के आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर 12 लेकर के इसको माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा 11 माइनस 2 कितना जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा आपका 9 9 माइनस 5 और आ जाएगा मित्रों और यहाँ पर 4 4 माइनस 1 3 इस तरीके से 34 लीटर और उसके बाद 900 मिलीलीटर ये आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी आप देखेंगे आईसीएसई और सिर्फ में पेज नंबर 106 पर आपको लिखा है सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन इसमें टोटल आपको दिया गया है नंबर 6 इसको कॉलम में और लिख दिया है केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों इसको आप कर लेंगे और उसके बाद नीचे है एक्टिविटी एक्टिविटी थोड़ा सा देख लेंगे आपका क्वेश्चन आज समाप्त हो जाएगा पर 106 पर ही लिखिए मीटर इन मिलीमीटर मिलीमीटर में आपको मीटर करना है इसमें आपको इस तरीके से दिखाया हुआ है आप यहां देखेंगे इस तरीके से बना है यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पर 250 और उसके बाद आपका 500 उसके बाद यहाँ पर आपका 750 उसके बाद आपका यहाँ पर 1000 और इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे उसमें ऐसे बना हुआ है और इसमें जो है लिखा है मीडिया का कैपेसिटी आप बीकर ये बीकर का आपको दिखाया गया है ठीक है चित्र और इसमें जो है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द लिक्विड इन इट इसमें जो है लिक्विड कितना तक भरा हुआ है ये आपको जो है इसको राइट डाउन करना है लिखना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर आपका दिखाई दे रहा है बच्चों ठीक है ये एकदम क्लियर इसमें नहीं आ रहा है लेकिन आप इसको समझते हुए लिखेंगे देखिए 250 ml तक आपका यहाँ पर ब्लू कलर यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है ठीक है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ का कलर दिखाया हुआ है आप देखेंगे चित्र में अपने और इसको आप यहाँ पर का बात बना हुआ है ये इतना जो है मिलीलीटर तक पहुँचा है ठीक है मिलीलीटर में इसको आपको मीटर करना है तो आप देख रहे हैं 250 मिलीलीटर मतलब 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर इसी तरीके से बच्चों आप सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे नीचे उसके राइट साइड में सेकेंड बीकर में तो उसमें जो है आपका देखिए 500 ml तक आपका ब्लू कलर दिखाई दे रहा है 500 ml सेकेंड वाले में आप ठीक करेंगे 500 ml और उसके नेक्स्ट वाले में आप देखिए दोस्तों तो थोड़ा सा ऊपर चला गया है 750 ml और लास्ट वाले में आप देखेंगे तो लगभग 1000 तक पहुंचा है
तो आप 1000 ईमेल उसको लिख देंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी समाप्त हो गया बच्चों, और ये आपका जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 13, इसमें आपने पढ़ा एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें आपका 3D एंड 2D फिर इसके विषय में अध्ययन करना है। तब तक के लिए बाय बाय।